नमस्कार। आज 23 अगस्त को एक कम दबाव का क्षेत्र वेस्ट बंगाल के उत्तरी भागों और आसपास के झारखंड क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर सीकर से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से अगले 5-6 दिन पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा। खासकर कोटा उदयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे तथा कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके बाद यह लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे झारखंड मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। यानी कि इस लो प्रेशर सिस्टम का असर राजस्थान में 25, 26 और 27 अगस्त के दौरान खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में रहेगा। 25 से 27 अगस्त के दौरान कोटा डिवीजन, इसके अलावा उदयपुर संभाग, वहीं अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा यदि इस मानसून सीजन में अब तक दर्ज की गई बारिश पर एक नजर डालें तो अब तक 488 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 43% अधिक है। जिलावार ज्यादातर जिलों में सामान्य से ऊपर या सामान्य है। केवल जो उदयपुर डिवीजन के जिले हैं, खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में सामान्य से कम बारिश अब तक रिपोर्ट हुई है। और जो आने वाले दिनों में जो नया लो प्रेशर सिस्टम का असर है वो इन्हीं जिलों में होने की संभावना है। तो इससे काफी संभावनाएं हैं, जो बारिश में भी कमी इन जिलों में चल रही है, इनमें काफी हद तक सुधार होगा। धन्यवाद।